हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुनंदा दैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले मैं बता दूँ, जो लोग सोच रहे हो कि जिन लोगों को आज का मेरे बाल अच्छा लगा हो, तो वो क्या जो इससे पहले मैं एक वीडियो पे शेयर किया है कि हॉट ऑयल स्पा, वो क्या ट्राई किए हो? तो वो मैं आजकल मैं क्योंकि सच कहूँ तो ठंड के दिनों में उतना मैं बालों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाती हूँ, मुझे जुकाम लग जाता है बहुत जल्दी। तो हॉट ऑयल स्पा मैं बहुत ले रही हूँ, हफ्ते में कभी दो बार एक बार ले रही हूँ। तो आजकल इसलिए मेरे बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो जो भी जो लोग भी वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके ज़रूर वो वीडियो चेक करना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट मैं लिंक डाल दूँगी, आप चाहे तो ज़रूर देख सकते हो। थोड़ी दिन पहले मैं एक वीडियो पे बताई थी, मेरे बाल बहुत गंदे तरीके से डैमेज हो गया था, डेंगू हो गया था मुझे, उसके बाद से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मेरे बालों पे। तो आजकल मैं ज़्यादा बालों के ऊपर ध्यान दे रही हूँ। तो आज का वीडियो का टॉपिक भी बाल रिलेटेड ही है। तो जैसे मैंने बोला है कि सर्दी के सीज़न में मैं उतना कुछ नहीं कर पाती हूँ, हालांकि मैं करती हूँ, मेरे बालों का ख्याल रखती हूँ, पर फिर भी मैं बहुत कुछ नहीं कर पाती हूँ। मुझे जैसे बोला मैं जुकाम लग जाता है, पर आज जो मैं एक चीज़ें शेयर करूँगी वो बहुत ही इजी है, बनाना तो इजी है ही, और उसके साथ साथ वो लगाने से आपको उतना ठंड भी नहीं लगेगा, जुकाम भी नहीं लगेगा। आप इजीली, जिन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है सर्दी वाले मौसम में कुछ बालों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से कि उनको जुकाम ना लग जाए, वो लोग जो लोग ऐसे सोचते हो वो लोग भी आँख बंद करके ये आज का रेमेडी शेयर यूज़ कर सकते हो। कुछ जो लगाने से आपके बहुत बहुत फास्ट आपके हेयर ग्रोथ होंगे, ऐसा कुछ जो लगाने से आपके बाल एकदम अच्छे हो जाएंगे, आपके बालों के स्ट्रक्चर बदल जाएगा, आपके हेयर रीग्रोथ होगा, ऐसा कुछ जो आपके बालों के लिए एकदम क्या बोलूँ मैं, सर्वश्रेष्ठ, आपके बालों के लिए सब कुछ है ऐसा कुछ लगाना। तो वो ऐसा कुछ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पहले जो आता है वो है हमारे बालों के लिए, वो है चावल के पानी हो, चावल को बॉईल करने के बाद जो पानी आता है वो हो, चावल को भिगोने के आप चावल को भिगो के रखेंगे उससे वो पानी, चावल के पानी, नॉर्मल जो ये बात है, चावल के पानी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है। सिर्फ हमारे बालों के लिए नहीं है, हमारे स्किन के लिए भी है, पर हमारे बालों के लिए एकदम गजब है। तो बस जो पहला जो इंग्रेडिएंट है वो बस चावल के पानी, और सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो है अदरक के रस। अदरक के रस आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ, अदरक के रस लगाने से आपके बहुत फास्ट हेयर ग्रोथ होती है। जो हमारे जो हेयर फॉलिकल होती है, अदरक के रस लगाने से वो फॉलिकल जग जाता है और हमारे बालों में बहुत तेज़ी से हेयर ग्रोथ होने लगती है। तो बस ये दोनों मिक्स करके मैं एक अमेजिंग सा टॉनिक, टोनर, कुछ भी आप बोल सकते हो, वो मैं आज लगाऊंगी। ऐसे घर में पड़े हुए दो मैजिकल इंग्रेडिएंट से आपके बाल बदल सकता है, बालों का स्ट्रक्चर बदल सकता है, रीग्रोथ। जिन लोगों को भी बहुत तेज़ी से हेयर पुल हो रही है इस ठंड के मौसम में, चाहे रीज़न कोई भी हो, मेडिकल इशू नहीं होने चाहिए, ऐसे नॉर्मल अगर कोई भी इशू हो जिसके चलते आपके बहुत ज़्यादा हेयर पुल हो रही है, तो वो लोग ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करना और आपको रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। बस ज़्यादा दिन नहीं, हफ्तों में एक बार लगाओ और एक महीने तक यूज़ करो। मैं हर एक वीडियो पे बोलती हूँ, चाहे कोई भी हो कुछ भी हो उसको कंटिन्यू करना पड़ता है अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। तो बस रिजल्ट के लिए थोड़ा सा कंटिन्यू करो, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ, और जैसे ईजी तो है ही, और ऐसे तबीयत भी नहीं ख़राब होता है, तो बस इसको ट्राई करो। तो पहले छोटा सा अदरक का ये पीस ले लूँगी, बस उसका जूस चाहिए हमें, दो चम्मच जूस निकल लेने के बाद हमें चाहिए जो है वो है राइस, राइस वाटर। हम लोग रात में राइस खाते हैं, तो रात में नहीं, दिन में भी राइस खाते हैं, तो वो राइस का पानी, जो राइस बॉयल करने के बाद जो पानी होता है वो मैं रख दिए थे, वो फर्मेंटेड हो गया था, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ से मैं दो चम्मच राइस वाटर लूँगी। और तो अभी मैं आज मैं कल रात को ऑयलिंग किए थे, तो इसीलिए आज मैं ये सीरम जो मैं बनाई हूँ वो मैं लगाऊँगी। और मैंने हॉट ऑयल स्पा लिए थे कल, और जो लोग भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके
वो वीडियो देखो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट में लिंक दे दूंगी, और वो तो अमेजिंग रिजल्ट देता ही है, उसके साथ साथ ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये मैं ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में, इसको चाहे आप इसको ऐसे कटन की हेल्प से डैप डैप करके ऐसे ऐसे करके भी लगा सकते हो, और हाथ से भी, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो मैं इसकी मदद से हेल्प से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने कम क्वांटिटी बनाई है और ये ही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मैं हाथ से ही कंफर्टेबल हूँ, तो मैं हाथ से लगाऊंगी। और इसको आपको पूरे बालों में नहीं लगाना है, ये सिर्फ वहाँ पे लगाना है जहाँ पे, जैसे अक्सर होता है सामने का बाल थोड़ा सा कम होता है हर किसी को थोड़ा सा, और मैं जैसे बोल रही हूँ कि डेंगू होने के बाद से मेरा बाल तो बहुत झड़ गया है, इसीलिए मेरे सामने का बाल थोड़ा सा हल्का हो गया है, इसीलिए ये प्रोसेस मैं आजकल कर रही हूँ, हफ्ते में एक बार ज़रूर करना है। तो इसको ऐसे हाथ से लेके आपको जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ पे ऐसे लगाना है, ज़्यादा मेहनत वाली काम बिल्कुल नहीं है। तो बस आपको ऐसे हाथ से ऐसे लेके बस अपने, तो जिंजर के अंदर मिनरल एसेंशियल ऑयल पाई जाती है जो बालों को थीकर बनाता है, स्ट्रॉन्गर बनाता है, सॉफ्टर बनाता है, और डैंड्रफ और इची स्कैल को भी ठीक करता है। और राइस वाटर तो हमारे बालों के लिए अच्छा है ही, तो ये हफ्ते में एक बार यूज़ करना है अच्छे रिजल्ट के लिए। तो बस ये बहुत ईजी था। तो आपने देखा ये रेमेडी बनाना कितना ज़्यादा ईजी है, तो मैं ज़रूर आशा करूँगी ये आज का रेमेडी आप सब लोग ट्राई करोगे। जैसे मैंने बोला ज़्यादा दिन नहीं, एक बार तो हफ्ते में ट्राई कर ही सकता है, तो ट्राई करो रेमेडी, और जिसको पसंद आएगा वो बस मुझे कमेंट करना, ट्राई करो रेमेडी और मेरे साथ शेयर करो, रिजल्ट ज़रूर शेयर करना, एक्सपीरियंसेस शेयर करना मुझसे। तो बस आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बस लाइक शेयर भी करना, तो उसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी हिट कर देना। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, सुनंदा 92D मेरा आईडी है। तो बस आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक बाय।